अच्छा जी, हमारे पास ये HTML का लास्ट चैप्टर है जो हम कोशिश करेंगे कि आज ही इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब HTML के ये 8 चैप्टर जैसे ही पूरे हो जाएंगे वैसे ही हमारा HTML का टेस्ट होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। MCQs बेस्ड टेस्ट होता है वो, और कोई 40-50 के करीब शायद उसमें क्वेश्चन होते हैं, और आसान टेस्ट होता है वो। लेकिन एक बात मैं आपको उस टेस्ट के बारे में बताता चलूँ कि जिस बंदे ने बुक पढ़ी नहीं होगी ना, रीड नहीं किया होगा, वो उस टेस्ट में पास नहीं होगा। सही है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो क्या है, वो बुक की बाकायदा पूरी पूरी लाइंस को ही कॉपी किया हुआ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो भी उसमें पास नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जिसमें कोड लिखा हुआ होता है और नीचे 2-3 उसके रिजल्ट्स दिखाए हुए होते हैं, और उसमें से आपसे पूछा जाता है कि कोई एक रिज़ल्ट आप सेलेक्ट करें जो सही रिज़ल्ट है इसका। यानी कोड लिखा हुआ होगा, उसका आउटपुट जो है वो 2-3 ऑप्शंस होंगे कि कौन सा वाला आउटपुट जो है वो सही है इसका। तो ये वाला पार्ट जो है आपका प्रैक्टिस के बगैर नहीं आप पास कर पाएंगे, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, आज हम इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वीक आएंगे सैटरडे वाले दिन, तो आपका आते ही सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट होगा आपका। अच्छा, टेस्ट जो होता है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, सैलानी का बना हुआ है वो, तो उस पर टेस्ट होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोशिश क्या कीजिएगा, बल्कि आपने लैपटॉप तो लाजमी लेकर आना है नेक्स्ट क्लास में ना, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो आपका टेस्ट कैसे होगा फिर? तो शुरू के क्लास के जो शुरू के 20 मिनट है उसमें टेस्ट होगा हमारा। फिर टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम अपनी क्लास को एज़ यूजुअल जारी रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार एट दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड द मेन टैग्स दैट फिट नाइसली इनटू ग्रुप्स एंड सेक्शंस। कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की है, ऑथर आपसे बात कर रहा है कि इसने कोशिश की है कि ये टैग्स को क्या करे, वो ग्रुप्स में पढ़ाए। यानी जो टेक्स्ट से रिलेटेड थे वो सारे एक जगह पढ़ा दिए, इमेजेस से रिलेटेड सारे टैग्स थे वो एक जगह पढ़ा दिए, फिर टेबल के अंदर जो रिलेटेड थे वो सब एक जगह पढ़ा दिए। अब कह रहे हैं कि यार ये जो चैप्टर है ना, इसमें वो बातें डिस्कस हो रही हैं जिसको ग्रुप नहीं किया जा सकता था किसी दूसरे के साथ ना, तो इसलिए वो जो बचे हुए अब सारे टैग्स हैं ना जो ग्रुप में नहीं पढ़ पाए थे, तो वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अच्छा, आ जाते हैं जी हम। सबसे पहले तो इसने बात की है एवोल्यूशन ऑफ HTML, कि ये HTML की ना हिस्ट्री क्या है। HTML 4 1997 में रिलीज़ हुआ था, XHTML 1 2000 में रिलीज़ हुआ। अब ये क्या चक्कर है सारा इसका, तो ये एक लंबा मज़मून इन्होंने लिखा है, ये आपको ख़ुद पढ़ना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये HTML 5 वाला पार्ट पढ़ लेते हैं लास्ट। इन HTML 5 वेब पेज ऑथर डू नॉट नीड टू क्लोज ऑल टैग्स। सॉरी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं उसको। अच्छा, कह रहे हैं कि इन HTML 5 वेब पेज ऑथर डू नॉट नीड टू क्लोज ऑल टैग्स एंड न्यू एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड। एट दिस पॉइंट ऑफ राइटिंग HTML 5 स्पेसिफिकेशन हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड। कह रहे हैं कि जी HTML 5 में क्या था कि न्यू एलिमेंट्स ऐड किए गए कुछ, और न्यू एट्रीब्यूट्स कुछ ऐड किए गए, और जब ये बुक लिखी जा रही थी तो उस वक्त इसकी स्पेसिफिकेशन कम्प्लीट नहीं हुई है। अभी जब तक ये बुक लिखी जा रही थी, 2009 में लिखी गई है ये बुक। तो एक बात इन्होंने और लिखी है कि यार HTML 5 में सारे टैग्स को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बारे में किसी का कोई ओपिनियन है कि ये इसने क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है? सिर्फ क्लोज इंटेक जो होते हैं सिर्फ उसको क्लोज इंटेक उसका नहीं लगाते। सही है, और किसी का कोई ओपिनियन? जैसा ब्रेक हो गया हमारे पास हाँ, HR हो गया क्लोज इंटेक्स नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? तो कुछ HTML 5 के अंदर टैग्स ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग है, तो उनको क्लोजिंग टैग अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ भी HTML 5 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। अच्छा जी, बट द मेजर ब्राउजर मेकर हैड स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट मैनी न्यू फीचर्स, ऑथर रैपिडली अडॉप्टिंग न्यू मार्कअप्स। कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो ब्राउज़र की कंपनीज हैं वो जल्दी जल्दी नए नए फीचर बना रही हैं और उनको HTML 5 में ऐड किया जा रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट HTML 5 इज़ नॉट येट कम्प्लीटेड, यू कैन सेफली टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू फीचर ऑफ द लैंग्वेज एज लॉन्ग एज इन, पता नहीं मुश्किल सी कोई इंग्लिश लिखी है यहाँ पे इसने,
तो यहाँ पे ये कहना ये चाह रहे हैं कि यार आप बावजूद इसके कि स्पेसिफिकेशन इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जितनी हो गई है उतना इस बुक में शामिल कर लिया उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट ऑफ इट यही है जो इस बुक में मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो इस बुक में पुराने ब्राउज़र के बारे में भी कुछ बातें लिखी है ना। अच्छा, अब तो हमें ये पुराने ब्राउज़र की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब जितने भी मेजर ब्राउज़र हैं सारे HTML5 को फुली सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट जितना ये बुक में लिखा हुआ है उतना तो करते ही करते हैं सारे ब्राउज़र, ठीक है। तो अच्छा, ओल्डर ब्राउज़र की टेंशन लेने की ज़रूरत हमें आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है। ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट हमें किन जगहों पे लाजमी देनी पड़ती है, मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है ना उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि यार जो पब्लिक सर्विस के वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो खैर गवर्नमेंट की वेबसाइट पता नहीं कभी खुलती है कभी नहीं खुलती, उल्टा सीन हुआ होता है, लेकिन वैसे दुनिया भर में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट बनती है ना तो उसमें एजम्पशन ये होती है कि इसको हर एज ग्रुप का बंदा और हर तरह के जो मतलब अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ सारे उस वेबसाइट पर आके उसको विजिट करेंगे। तो क्योंकि उन सबको अकोमोडेट करना होता है तो ज़्यादातर गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर जैसे कोई जर्मन की गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो उसमें इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज मौजूद होती है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज मौजूद होती है। फिर उसके लिए मेक श्योर करते हैं कि यार हर तरह के ब्राउज़र पे ही चल जाए, अगर किसी के पास कोई पुराना कंप्यूटर है उसमें पुराना ब्राउज़र है कोई तो उसमें भी वो चल जाए, मना ना करे उसमें चलने से, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे हम थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमें, अदरवाइज़ अगर उसको हमने बिल्कुल नए वाले ब्राउज़र पर चला दिया और पुराने पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दी, तो क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल शायद जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास ज़ाहिर है पुराने कंप्यूटर्स होंगे, तो वो पुराने कंप्यूटर पे जब खुलेगा तो वो मसला करेगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड। फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे लोगों के दिमाग बंद होते हैं तो वो कभी भी अपडेट नहीं करते, वेल मजाक कर रहा हूँ, जो एंटरप्राइज होते हैं ना उसके अंदर वो क्या करते हैं कि एकदम नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते वो। मिसाल के तौर पे आज भी कुछ एंटरप्राइज ऐसे हैं जहाँ पे विंडोज़ 7 पे वो चला रहे हैं उसको, ठीक है। क्यों विंडोज़ 7 पे क्यों चला रहे हैं वो, क्योंकि उनको अभी तक अब उसको अपडेट करने की अथॉरिटी नहीं मिली है। अच्छा, वैसे भी जब आप कंप्यूटर वगैरह ख़रीदते हैं, जो एक मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे 10,000 कंप्यूटर ख़रीदे गए, अब उस पूरी बिल्डिंग में 10,000 कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें जो वर्किंग कंप्यूटर हैं उसके अलावा जो गेट वगैरह पे काउंटर पे इधर उधर जो लगे हैं उन सबको मिला के 10,000 कंप्यूटर्स हैं। तो वो 10,000 कंप्यूटर एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के जरिए के साथ ख़रीदे गए हैं, राइट। अच्छा, वो विंडोज़ 7 पे सही चलने के लिए ख़रीदे गए हैं, अच्छा, और उस पर विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर दी गई। तो अब वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम अगले 10 साल तक जो उसको रगड़ दें थोड़ा, ठीक है, उसमें जो चेंजेस करनी पड़े, मतलब जो कोई अगर किसी का कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो उस कंपोनेंट को वो रिप्लेस कर लें, लेकिन वो पूरे के पूरे 10,000 कंप्यूटर रिप्लेस ना करने पड़ें, जितने अरसे तक उसको वो चला सकें उसको चला लें, ठीक है। आमतौर पर जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो तकरीबन 15 से 20 साल तक के को जहन में रख के ख़रीदी जाती हैं, ठीक है। यही वजह है कि जब उसको ख़रीदा जा रहा होता है तो थोड़ा सा ओवर स्पेसिफिक करके उसको ना हम ख़रीदते हैं, यानी थोड़ा सा जितनी रिसोर्स हमें चाहिए होती है उससे थोड़ा ज़्यादा करके ही हम ख़रीद लेते हैं, तो ताकि वो अगले कुछ सालों तक तंग ना करें, ख़ासतौर पर जब जब हम बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि जी अब विंडोज़ 7 तो अभी तक चल रही है, अच्छा विंडोज़ 7 का जो वो सपोर्ट का जो उनका वादा है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी पता नहीं कोई 30 ईयर्स का है, ठीक है, जो इनके मेजर वर्जन आते हैं उसमें तकरीबन ये 30 ईयर्स का देते हैं। यही वजह है कि विंडोज़ XP बहुत अरसे तक चलती रही, क्योंकि उसका वो पूरा ही नहीं हुआ था, ग्रेस पीरियड पता नहीं क्या बोलते हैं उसको वो। तो मिसाल के तौर पर विंडोज़ 7 में वो 30 ईयर्स तक उन्होंने वादा किया होता है, हम यहाँ पे देखेंगे ना कि वो विंडोज़ वर्जन विथ सपोर्ट ड्यूरेशन, ये एक विकिपीडिया का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आना चाहिए। एंड ऑफ सपोर्ट कहते हैं इसको। तो ये सारे विंडोज के मेरे पास ये लिस्ट आ गई है, ये रिलीज डेट है और एंड ऑफ सपोर्ट ये लास्ट में लिखा हुआ है।
तो आप देखिए ये 1996 में रिलीज़ हुआ था विंडोज़ एनटी 4.0, और इसकी जो सपोर्ट एंड हुई है 2004 में एंड हुई है, वो बड़ी जल्दी एंड हो गई वैसे। अच्छा इसी तरीके से ये 2001 में रिलीज़ हुआ था विंडोज़ एक्सपी, इसका एंड ऑफ सपोर्ट 2014 में जाके एंड हुआ इसका सपोर्ट। ठीक है अभी हमारे पास जो विंडोज़ 7 है, नहीं ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है, ये इन्होंने सही नहीं लिखा हुआ, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। अच्छा भाई इसमें एक इसका मेजर वर्जन होता है जिसकी सपोर्ट अच्छे खासे टाइम तक ये देते हैं। जिसको हम कहते हैं LTS, LTS में कम से कम 20 साल का वो टाइम देते हैं। यहाँ पे तो ये विंडोज 11 का भी कह रहे हैं 2023 में ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लिया मैंने। असल में विंडोज़ के अंदर क्या होता है कि जैसे विंडोज़ 10 है ना, उसकी एक अलग अलग बिल्ड आती है, हर 3 महीने पे उसकी एक बिल्ड आती है, तो कोई एक बिल्ड ऐसी होती है जिसकी सपोर्ट जो है वो अगले 20 साल तक होती है। सपोर्टेड अंटिल एंड सपोर्टेड स्टेटस, ये मैंने क्या डॉक्यूमेंट खोला है, ये मैंने वो डॉक्यूमेंट खोला है जिसमें विंडोज 10 के अलग अलग बिल्ड जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी सपोर्ट कब तक चलेगी। ठीक है ये रहा, एक लिखा हुआ है GSC और एक लिखा हुआ है LTSC। LTSC का मतलब है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब लॉन्ग टर्म वाले में हम देख लेते हैं कि जो अभी जो 21H2 जो है वो रिलीज हुआ है 2021 में, और ये 2032 तक इसकी सपोर्ट इन्होंने दी हुई है, 2032 तक इसको सपोर्ट देंगे ये एक सर्टेन बिल्ड, बाकियों में बिल्ड में ये नहीं है। अच्छा एक बिल्ड आई थी 2018 के अक्टूबर में, दैट वाज कॉल्ड 1809, 1809 जो था वो 9वें महीने 2018 में वो रिलीज़ हुआ था, इसलिए 1809 उसका नाम रखा है इन्होंने। अच्छा उसकी सपोर्ट जो है 2029 तक देंगे ये। ठीक है तो तकरीबन 11 ईयर्स इसकी सपोर्ट देंगे, तो अगले 11 ईयर ना ये रहेगा। किसी ना किसी एंटरप्राइज ने जब कोई कंप्यूटर ख़रीदा होगा ना तो वो ये LTSC वाला इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी सपोर्ट जो है वो अच्छी खासी लंबी होती है। इसी तरह इसमें जो विंडोज 7 वाला है ना, क्योंकि अब तो इन्होंने सपोर्ट का ज़रा ड्यूरेशन कम किया है, लेकिन विंडोज 7 के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा लंबी ना सपोर्ट दे रहे होते थे। अभी अगर मैं इसी में यही लिख दूँ कि विंडोज 7, तो हमें वो वाली भी बिल्ड लिस्ट मिल जाएगी। अब देखें इसकी स्पेसिफिकेशन कितनी ज़बरदस्त है आपको 1 GHz का प्रोसेसर चाहिए, 1 GHz पे तो कुछ भी नहीं चलता, मोबाइल में भी 1 GHz से ज़्यादा का प्रोसेसर होता है इस वक्त। जितने भी मोबाइल फ़ोन इस वक्त स्मार्टफोन मौजूद है मार्केट में जो 30-40 हज़ार की रेंज वाले, उसके अंदर कम से कम 2.5 GB होता है और क्वाड कोर होता है, यानी 4 कोर के प्रोसेसर होते हैं। ये तो इसने एक कोर का लिखा हुआ है, तो क्वाड कोर प्रोसेसर आजकल हैं, और 2 GB RAM उसको चाहिए, इसमें ये खुश रहेगा 2 GB RAM में विंडो 10 तो 2 GB RAM में ऐसे सांस लेके ऐसे उठती है बोलती है बस दोबारा सो जाती है ना। तो वो इस स्पेसिफिकेशन का किसी ने अगर ले लिया है तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि विंडो 10 इंस्टॉल हो जाए। अच्छा यहाँ पे इन्होंने वो वाली बात ही नहीं लिखी, ये वो वाली बात ही नहीं लिखी यहाँ पे इन्होंने। हाँ ये रहा एंड ऑफ सपोर्ट,
इसका जो एक्सटेंडेड एंड ऑफ सपोर्ट है ना, वो अभी भी 2023, 10 जनवरी 2023 तक था। अच्छा, इसको ये मज़ीद भी एक्सटेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एंटरप्राइज़ है, अगर वो कहती है यार नहीं हमें और सपोर्ट चाहिए अभी आपसे, तो उससे कुछ पैसे लेके उसको फिर अलग से भी सपोर्ट दे देते हैं। ये बाकी लोगों के लिए नहीं होता वो, लेकिन उनको सिर्फ दे देते हैं वो। जैसे मिसाल के तौर पे नासा के अंदर अगर कंप्यूटर लगे हैं कुछ, तो नासा वाले बोलेंगे भाई हमें अभी उसको मज़ीद 5 साल और सपोर्ट दें आप, तो वो क्या करते हैं एक डेडिकेटेड टीम बिठा देते हैं और उनसे कुछ पैसे लेते हैं नासा वालों से, और वो उस बजट से एक डेडिकेटेड टीम उनके लिए बिठा देते हैं, तो वो उनको सपोर्ट देते रहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो आमतौर पर रिवाज नहीं होता कि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम सपोर्ट के पास नहीं जाते हैं आमतौर पर। ठीक है, हम सपोर्ट, हमारे यहाँ जो सपोर्ट के पास जाने वाला रिवाज है वो उसके लिए है, मोबाइल फ़ोन के लिए, कि अगर मोबाइल फ़ोन में कोई पैकेज वैकेज नहीं हो रहा या बैलेंस उड़ गया तो हम उसमें सपोर्ट को या तो कॉल करते हैं या तो सपोर्ट वालों के पास चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में जब कोई ख़राबी आती है उसमें हमारे पास रिवाज नहीं है। अच्छा, रिवाज ना होने की एक वजह ये भी है कि हमारे पास है भी नहीं सपोर्ट का कोई रिवाज इस तरह, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियली डेल एचपी ये सारे ऑफिशियल यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके डीलर्स बैठे हुए हैं वो, मतलब सपोर्ट वपोर्ट का कोई रिवाज नहीं है उनके यहाँ। लेकिन आम तौर पे जो यानी वेस्ट के अंदर ये होता है कि जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो डायरेक्ट कॉल मिलाते हैं और उनसे वो बोलते हैं कि भाई आप सही करके दो। और मैंने भी एक दफ़ा कॉल मिलाई थी, मैंने कहा यार एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कि क्या करते हैं भाई। उसने मुझे एक वो भेजा लिंक, वो लिंक खोला, पूरे कंप्यूटर का एक्सेस उसने ले लिया टीम व्यूवर की तरह, उसके पास पूरे क्लिक वगैरह हर चीज़ का एक्सेस आ गया, तो उसने वो सारा क्लिक व्लिक करके सही करके दिया। तो ये भाई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिवाज नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर मौजूद है जो अंडर वारंटी है तो उसमें वो तो फ्री में करके देते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर वारंटी भी जो इसके लेवल के इश्यूज होते हैं ना, यानी मिसाल के तौर पे आपके आवाज़ आना बंद हो गई आपके कंप्यूटर में, तो इस तरह के जो इशूज़ हैं वो तो आपको फ्री में करके देते हैं। हाँ, अगर वो डायग्नोस करेगा वो कहेगा हाँ यार ये हार्डवेयर इशू आ गया, कोई हार्डवेयर ख़राब हो गया, तो वो फिर ले जाना पड़ता है उसके, ज़ाहिर फिर अगर अंडर वारंटी है तो फ्री में होता है, अगर नहीं है तो फिर पैसे लगते हैं। तो ये सपोर्ट ना बड़ा मैटर करता है वेस्ट में ख़ास तौर पे, कोई भी कंप्यूटर अगर एक आम बंदा भी यूज़ कर रहा है उसके लिए सपोर्ट बड़ा मैटर करती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि विंडोज 7 का अगर कोई ये LTS वाला वर्जन किसी ने अपने पर्सनल कंप्यूटर में भी डाला हुआ होगा ना, तो वो भी बोलेगा यार अभी तो इसकी सपोर्ट मौजूद है, चलो इसको हम चलाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका यूज़ बड़ा कम होता है कि जी बस पड़ा है लैपटॉप, कभी अगर महीने में एक आध बार कोई मतलब मूवी वगैरह देख ली, दैट्स इट। तो वो उस तरह का बंदा तो कभी भी अपडेट नहीं करेगा, वो कहेगा यार अभी तो सपोर्ट इसकी बाकी है, चलने दो। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं वापस, हम अब वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये बात बता रहा था कि हमें सम टाइम ना ओल्डर ब्राउज़र्स को सपोर्ट इस वजह से देनी पड़ती है, जहाँ पे मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि सबके लिए सही चले। अच्छा, जैसे फेसबुक है, जैसे कि व्हाट्सएप है, इसमें तो ये होता है कि जी इसमें बहुत ज़्यादा अगर पुराना ब्राउज़र हो ना तो वो उसमें ये चलता ही नहीं है, सही है, उसमें ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फेसबुक ने पिछले दिनों क्या किया था कि एक बहुत पुराने ब्राउज़र्स के लिए ना एक बिल्कुल प्लेन HTML पे एक वेबसाइट बना के रखी हुई थी, जो इन्होंने सेलुलर फ़ोन होते थे ना जो छोटे वाले बिल्कुल, उसके उसके वाला वर्जन जो है ना वो खोल दिया करते थे कि यार ये वाला देख लो आप, क्योंकि उसमें कोई ना इमेजेस होती थी ना कोई आइकन होता था, उसमें सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट होता था, सारा टेक्स्ट बेस्ड पूरा फेसबुक था वो, तो वो उसके लिए उन्होंने बनाया हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि अब वो है या नहीं है, क्योंकि बड़े अरसे से फिर वो कोई सेलुलर फ़ोन, अब तो ख़त्म हो गए ना सारे सेलुलर फ़ोन, वरना पहले कोई ना कोई आ जाता था आस पड़ोस में कि भाई वो मेरा ना ये नहीं चल रहा है, सेटिंग कर दो इंटरनेट की, तो उसमें चलाते थे, उसमें दिखता था यार ये तो पूरा टेक्स्ट बेस खोलता है, तो अब वो ख़त्म ही हो गए फ़ोन। तो हमारे पास क्या होता है कि जी डिपेंडिंग ऑन कि कौन हमारी ऐप को यूज़ कर रहा है, कौन हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, और क्या हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबको सपोर्ट दें, तो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सम टाइम ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट देते हैं। अच्छा, ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट देने से क्या मतलब है मेरा, कि HTML5 के अंदर जो नए वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है उसमें नहीं होंगे पुराने ब्राउज़र में, तो वो उसमें नज़र ही नहीं आएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसको सम हाउ मैनेज करते हैं कि उन एलिमेंट्स के बगैर भी वो वेबसाइट उसको पूरी समझ आ जाए, नज़र आ जाए। अच्छा जी, डॉक टाइप हम शुरू में लिखते हैं हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने देखा है कि VS कोड में जब हम वो बॉयलर प्लेट लिखते हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के, तो उसमें ही शुरू में ये डॉक टाइप लिखा हुआ आता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि HTML5 का जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिक्लेरेशन होती है,
जब डॉक टाइप और एचटीएमएल लिख देता हूँ मैं, इट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट एचटीएमएल 5 का है। अच्छा, एचटीएमएल 4 अगर हम लिख रहे हो तो उसकी डिक्लेरेशन ये होती है, ठीक है, और 1 की ये होती है, डिफरेंट वर्जन की डिक्लेरेशन है। तो हम तो 5 पे काम कर रहे हैं, तो हमें बाकियों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने स्टिल एक लंबी मजमून लिखा है पूरा, ये आपने पढ़ना है पूरा, राइट। इसमें इसने कोई ना कोई तो ऐसी बात की है ना, तो इसको पढ़ना आपने अगर ज़रूर। वो ओल्ड ओरिजिन वाला सपोर्ट करना हो तो फिर वो नीचे वाले देंगे। नहीं, वो वाला चक्कर नहीं है, ओल्ड वर्जन को सपोर्ट वाला चक्कर नहीं है। वो असल में ये है कि HTML 4 में ये वाला लिखा जाता था, सही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी ये लिख दिया तो HTML 5 का टैग चलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। HTML 5 का टैग जब भी चलेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप पुराने ब्राउज़र्स को भी सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, पुराने ब्राउज़र्स को, तो अब पुराने ब्राउज़र में, ब्राउज़र टू ब्राउज़र ये वेरी करता है। कुछ ब्राउज़र में ये होगा कि जब तक ये ना लिखो आप तो शायद वो नज़र ही नहीं आता होगा, ठीक है। बट मैंने कभी पुराने ब्राउज़र की सपोर्ट पे पर्सनली काम नहीं किया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या आया कि HTML 5 की डिक्लेरेशन भी लिखूँ, 4 की भी लिखूँ, दोनों की लिखनी पड़ती है, या सिर्फ 4 की लिख दूँ तो 5 भी चलता है उस पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैंने कभी भी पुराने ब्राउज़र वाली सपोर्ट पे ना मैंने खुद पर्सनली काम नहीं किया, ठीक है। तो ये जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक दफ़ा गूगल मार लीजिएगा कि जी वो डिक्लेरेशन क्या दोनों लिख दूँ या एक ही लिख दूँ, या मोस्ट प्रॉब्ली शायद इन्होंने यहाँ पर भी कहीं जिक्र किया हो, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, कमेंट्स, कमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ पार्ट होता है हमारे HTML के अंदर कभी कभी जिसको मैं चाहता हूँ मैं रोक दूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे रोक देता हूँ। ये मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, और इसी से ये ख़त्म भी हो रहा है, इसी से लग भी रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं शॉर्टकट की से लगाऊँ, मैं हाथ से भी ये वाली बात लिख दूँगा ना यहाँ पर। ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है, तो इसके और इसके दरमियान में जो चीज़ है उसका कलर आप नोट करें, चेंज हो गया, ठीक है। और ना सिर्फ इसका कलर चेंज हो गया, बल्कि अब इसको HTML क्या करेगा, एज अ कोड इसको ट्रीट नहीं करेगा, इसको बिल्कुल स्किप कर देगा, बिल्कुल इग्नोर कर देगा। लिहाजा अभी ये सर्च वाला जो फॉर्म मेरे पास बना हुआ आता था वो क्या हो गया, बिल्कुल गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सर्च का फॉर्म नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये कमेंट, कोई बता पाएगा? अगर बाद में इसकी जरूरत पड़ी तो अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी कि यहाँ पे कौन सा काम होगा, हेडर का काम होगा, फुटर का काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके दो रीजंस हैं। नंबर एक तो नाम से जाहिर है कमेंट, कि जी कमेंट आप लगाने के लिए ना इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोडिंग करते हैं, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मुहावरा है कि चिम्प कैन ऑल्सो राइट कोड, कहते हैं कि चिंपैंजी भी कोड लिख सकता है। एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है कि चिंपैंजी, क्यों, हम इंसानों के बाद जो सबसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद जो दुनिया में पाया जाता है जानवर, वो चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी जो बहुत सारे वो काम कर सकता है जो कोई दूसरा जानवर नहीं कर सकता, तो चिंपैंजी भी कोडिंग भी कर सकता है। तो ये तंज करते हैं इस पर कि जी वो इंसानों का जो लिखा हुआ कोड है ना, वो उसमें और चिंपैंजी के लिखे हुए कोड में क्या डिफरेंस होता है, कि इंसान का लिखा हुआ कोड एक दूसरा इंसान समझ सकता है उसको देख के, ठीक है, चिंपैंजी का लिखा हुआ कोड चिंपैंजी को खुद भी समझ नहीं आता। तो ये वो तंज करते हैं जो लोग गंदा कोड लिखते हैं ना, उन पे करते हैं ये। तो असल में वो इंसानों को क्यों समझ आता है, वो इसलिए आता है कि जब इंसान कोडिंग करते हैं ना तो कमेंट्स उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कमेंट्स का मतलब है कि कुछ अगर आपने बात लिखी है, कोडिंग की है कुछ, तो उसके साथ कुछ कमेंट समटाइम लगा देते हैं, अच्छा जी ये मैंने काम इसलिए किया है, ठीक है, या इसको इस तरह से, या फलां जगह से डॉक्यूमेंट वगैरह का लिंक कोई समटाइम हम लगा देते हैं। तो कुछ कमेंट्स हमें लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है कोडिंग के लिए, ताकि कल को जब आप खुद उस कोड को मॉडिफाई करने के लिए आएँ 3 महीने 4 महीने बाद, तो आपको वो कमेंट्स आपके लिए मौजूद हों, या फिर कोई दूसरा डेवलपर आपके कोड को मॉडिफाई करने के लिए आए तो उसके लिए वो कमेंट हेल्पफुल साबित हो। तो नंबर एक तो ये हो गया कमेंट नाम से जाहिर है। नंबर दो, कुछ कोड को मुझे वक्ती तौर पे रोकने की ज़रूरत पड़ सकती है डीबगिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। डीबगिंग समझते हो सब लोग? तो डीबगिंग कहते हैं अगर कोई एरर आ गया आपके पास, कोई ऐसा हो गया जो मतलब आप कर रहे कुछ और हो रहा कुछ और है, इस तरह की अगर कोई चीज़ हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको, हम कहते हैं बग आ गया, है ना। एरर जो एरर होता है ना, उसको हम टर्म्स के यूज़ करते हैं बग आ गया, ये कि भाई ये जो बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं हो रहा।
तो उसको सही करने का जो प्रोसेस है, एरर को सही करने का प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। तो जो आपका सम टाइम ना डीबगिंग पर्पसेस के लिए भी मुझे, मैं चाहता हूँ कि यार कुछ कोड में रोक दूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो वो दो इसके जो है ना मेन यूजेज हैं जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आईडी के एट्रीब्यूट हम डिस्कस कर चुके हैं। आईडी के एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि यार किसी भी एलिमेंट को मैं एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूँ अगर, तो मैं उस पर आईडी का एक एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। अच्छा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने का मतलब ये है कि मैं उसको उस आईडी के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ इन फ्यूचर। मुझे उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो, या अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है उससे मुझे वैल्यू उठानी हो, या कोई कोई भी HTML का एलिमेंट है उसमें मुझे कुछ मतलब कुछ चीज़ डिस्प्ले करानी हो। मिसाल के तौर पर H1 है, अब H1 के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कुछ और टेक्स्ट इसमें ऐड कर दूँगा, तो मैं उसकी आईडी के थ्रू उस पर टारगेट करके वो चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, आईडी के बारे में एक और बात कि एक आईडी जो आपने लगा दी, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा आईडी फर्स्ट एलिमेंट, ये मैंने आईडी दे दी एक एलिमेंट को, तो अब मैं किसी दूसरे एलिमेंट को ये सेम आईडी नहीं दे सकता, ठीक है, तो मैं उसको शायद ये लिखूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट 1 या फर्स्ट एलिमेंट 2 ऐसे करके लिखूंगा मैं वो एग्जैक्ट सेम आईडी ना 2 को नहीं दे सकता। अच्छा, अगर मैं 2 को दे दूंगा तो क्या होगा, एरर तो नहीं आता HTML के अंदर, HTML के अंदर एरर नहीं आता है, तो उसमें से वो शायद फर्स्ट वाले को समझेगा, सेकंड वाले को इग्नोर कर देगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट भी क्या होता है, टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लास एट्रीब्यूट ना एक से ज़्यादा एलिमेंट को दिया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि यार कुछ एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि यार ये सारे जो है ना फुटर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो क्लास जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट होता है एक, जिसको मैं, जैसे आईडी तो होता है ना, एक एलिमेंट को दी थी दूसरे को नहीं दे सकता, क्लास में एक से ज़्यादा को ही देता हूँ आमतौर पर। अच्छा, लिहाजा क्या होता है, अगर उस क्लास के थ्रू मैं टारगेट करके ना मल्टीपल एलिमेंट पे एक जैसा काम करा सकता हूँ। मैंने कहा यार वो सारे एलिमेंट जिन पे क्लास लगा हुआ है कि हेडर, उन सब पे ये वाला कलर लगा दो आप, तो इस तरह की चीज़ें जो ना ग्रुप में जो एक यानी जैसे क्लास हम जो रियल लाइफ में भी इसी को कहते हैं ना कि जी जैसे हम कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास, ठीक है, तो वो कुछ सर्टन लोग होते हैं जो जिनको हम फर्स्ट क्लास कह रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार अच्छा फर्स्ट क्लास पे ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दो, तो इस तरह की जो है ना जब चीज़ हमें करनी होती है। अच्छा, CSS के अंदर जो अभी हम अगला CSS का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, अभी ये लास्ट चैप्टर है हमारे HTML का, तो उसमें जो ज़्यादातर स्टाइलिंग हम कर रहे होते हैं उसमें क्लास के थ्रू बड़ा हम काम करते हैं, ये आईडी तो उसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि आईडी पे क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट को ही टारगेट करना पड़ता है, फिर हर एक एलिमेंट के लिए मैं अलग अलग CSS लिखूं तो ज़रा मुश्किल रहता है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक बटन क्लास बनाई, मैंने कहा भाई बटन लार्ज, एक ये मैंने क्लास बनाई, तो अब जिस जगह पे मेरी वेबसाइट में लार्ज बटन मुझे दिखाने की ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा, बटन पे वो क्लास सब जगह अप्लाई कर दूँगा, जहाँ जहाँ बटन बने हुए उन सब जगह में वो क्लास अप्लाई कर दूँगा। अब जब मैं CSS अप्लाई करूँगा ना उस पर लार्ज बटन के नाम से, तो वो उन तमाम बटन्स पे लग जाएगी जहाँ जहाँ वो क्लास अप्लाई है, ठीक है, तो लिहाजा क्या होता है मेरा काम बड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो क्लास का सबसे ज़्यादा यूज़ CSS के अंदर मुझे देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ एलिमेंट ब्लॉक लेवल होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट का थोड़ा सा जिक्र हुआ है पहले भी। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, खुद नए लाइन में स्टार्ट होते हैं, ये किसी दूसरे की लाइन में ये नहीं जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरह से डायग्राम बना के दिखाया है, और ख़ुद किसी दूसरे की लाइन में नहीं जाते और किसी को अपनी लाइन में भी नहीं आने देते, ये पूरी लाइन लेते हैं, ये नए लाइन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल उसका H1 है, पैराग्राफ है, UL और LI है, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं जो उनको टेंशन नहीं होती, वो किसी की लाइन में ख़ुद भी आ जाते हैं, और अगर उनके पड़ोस में भी कोई आना चाहे तो वो ख़ुद मना नहीं करते, सही है, अगर वो कोई दूसरा एलिमेंट उनके पड़ोस में आता है और वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और वो नहीं आना चाहता तो बात अलग है, ये मना नहीं करते उसको, तो ये ख़ुद भी किसी के पड़ोस में चले जाते हैं और किसी और को एलिमेंट को भी अपने पड़ोस में आने से रोकते नहीं है, ये
ठीक है, इसके इसकी एग्जांपल है एंकर टैग, बोल्ड, एम्फेसाइज, इमेज, ये सारे इसके जो है ना इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये जो इनलाइन और ब्लॉक का जो चक्कर है, ये अक्सर जहन में सवाल आता है स्टूडेंट्स के कि यार ऐसा क्यों इन्होंने रखा है, दोनों को अलग अलग क्यों रखा। तो इसको इस वजह से अलग रखा है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं आम तौर पे वो उसी तरह से यूज़ होते हैं, जैसे कि एच वन एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो आम तौर पे जब आप किसी डॉक्यूमेंट में हेडिंग लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपने हेडिंग लगाई और उसके पड़ोस में आपने कोई चीज़ और भी लिख दी, ऐसा नहीं होता। आम तौर पे हेडिंग वाली लाइन में कोई और चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट उसका ही बिहेवियर रखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास बोल्ड का जो टैग है, अब बोल्ड का टैग तो हमेशा किसी ना किसी पैराग्राफ के दरमियान में आएगा, तो ये तो इनलाइन होना इसका ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन इस बिहेवियर को अगर मुझे कभी भी चेंज करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ CSS के थ्रू। ठीक है, इस बिहेवियर को अगर किसी ब्लॉक लेवल को मैंने इनलाइन बनाना है या इनलाइन को मैंने ब्लॉक बनाना है तो मैं CSS के ज़रिए ये काम कर सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि जो फिक्स तो नहीं हो गया वो, ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है। अच्छा, एक एलिमेंट और है जो डिव के नाम से है। ठीक है, डिव, अभी तक हमने जो एलिमेंट्स देखे हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो थे कि भाई जैसे एच वन का एलिमेंट है ना वो हेडिंग बन के दिखेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर पैराग्राफ का एलिमेंट है तो पैराग्राफ बन के दिखेगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो जो जस्ट एक कंटेनर है। अगर मैं सिर्फ एक डिव लगा दूँ ना, डिव ओपन डिव क्लोज, तो स्क्रीन पर मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि 3, 4, 5 एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। सही है, मिसाल यानी बॉक्स बनाने के लिए। एक्चुअली मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कोई कोई मैं आपको जो है ना कोई एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे ये वाला, ये एक वेब पेज है, सही है, या कोई और बेहतर एग्जांपल, ये जैसे वेब पेज है। अब ये एक वेब पेज है, राइट। अब इसके अंदर ना आप देखें, ये तो एक इमेज है और ये नेविगेशन बार है। अब यहाँ पे ना एक चकोर बॉक्स भी आपको दिख रहा है वाइट कलर का, जिसके अंदर ये इमेज और ये लगा हुआ है। अब ये चकोर बॉक्स अगर मुझे बनाना है तो इसके लिए ना मैं डिव का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, जो कि जस्ट कंटेनर है। अच्छा, अगर मैं वैसे डिव बना दूंगा तो वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया हुआ है, डिव ना सिर्फ बनाया हुआ है बल्कि उसको विड्थ और हाइट भी दी हुई है, विड्थ और हाइट दी हुई है, फिर उसको बैकग्राउंड कलर वाइट दिया हुआ है, अदरवाइज़ वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, डिव अदरवाइज़ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो बैकग्राउंड कलर रेड भी दे सकता था मैं, कुछ भी दे। तो ये जो ये वाइट वाला बॉक्स है ना, इस बॉक्स को बनाने के लिए मैं किसी और एलिमेंट का इस्तेमाल अगर करूँगा तो वो ज़रा मसला हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे पैराग्राफ को भी मैं बैकग्राउंड कलर तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या मैं यहाँ पे पैराग्राफ का एलिमेंट यूज़ कर सकता था, शायद मुनासिब नहीं होता। ठीक है, डिफ जो है वो स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि वो जस्ट कंटेनर का काम करता है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं नज़र। अच्छा, डिफ जो है ना वो क्या है, ब्लॉक लेवल इन्होंने लिखा है कि जी ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इन ब्लॉक, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिफ। अच्छा, इसी का जो काउंटर पार्ट है इन लाइन, वो स्पैन कहलाता है। ठीक है, ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इन लाइन, तो उसको हम कहते हैं जी ये स्पैन। ठीक है, स्पैन यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, और इस ये पूरा एलिमेंट अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये इतना पूरा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये मॉडर्न टेट के नाम से जो जो यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है मॉडर्न ट्रेड, उसके ऊपर इन्होंने ये स्पैन लगाया। अच्छा, अब ये स्पैन की आमतौर पे ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक तो वो ब्लॉक लेवल तो हमें समझ आ गया क्या चक्कर था। स्पैन की आमतौर पे हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पैराग्राफ के दरमियान में, जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे ये टर्नर प्राइज़, ये इतना पार्ट है। अब मैं चाहता हूँ टर्नर प्राइज़ इतना क्या हो जाए, अगर तो उसको बोल्ड करना है तो मैं टर्नर प्राइज़ को बोल्ड के टैग में पैक कर दूँगा, है ना। अच्छा, बोल्ड नहीं करना, लेकिन मुझे इसका कलर रेड करना है। टर्नर प्राइस जो इतना ये सेलेक्ट किया हुआ है ना मैंने, इतने का जो कलर है वो मैंने रेड कर देना है अगर, तो मैं कैसे करूँगा वो कलर रेड। अच्छा, मुझे
मैं पैराग्राफ के दरमियान में ना ऐसे दो वर्ड को कभी भी टारगेट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसको किसी एलिमेंट में पैक करूँ। भाई सी एस एस लगाते हुए सेलेक्टर, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, तो सी एस एस लगाते हुए ना मुझे बताना पड़ जाएगा यार किस एलिमेंट पे लगाऊँ, तो ये तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं बोलूँगा पैराग्राफ तो वो पूरे पैराग्राफ पे लगेगा, वो सिर्फ दो वर्ड पे नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँगा कि पैराग्राफ पे लगा दो तो वो पूरे पैराग्राफ का कलर रेड कर देगा, इस दो वर्ड का नहीं करेगा सिर्फ। टर्नर प्राइस जो ये वर्ड लिखा है मुझे उसका कलर रेड करना है अगर, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको किसी ना किसी एलिमेंट में रैप करूँ इसको मैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो वो स्पैन है, अगर डिव लगाऊंगा तो वो तो ब्लॉक लेवल, तो उसको तीन लाइनों में कन्वर्ट मार देगा, है ना। डिव तो ब्लॉक लेवल है तो वो तो नहीं लग सकता यहाँ। अगर वो लगाऊंगा मैं तो ये टर्नर एक नए लाइन में चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पैराग्राफ बिल्कुल स्मूथ रहे जैसा पहले था। तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट कंटेनर है मेरे पास वो है स्पैन, इन लाइन कंटेनर है। आ जाते हैं जी आगे, यहाँ पे अगेन इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगी मेरी कि इसको आप ज़रूर पढ़ें। पी लगा के क्या करते हैं? इन लाइन कर लें, हाँ नहीं लंबा हो जाएगा ना लेकिन वो, हाँ दोस्त ने ये कहा है, बात बिल्कुल सही की है दोस्त ने कि जी ये एक पैराग्राफ तो ये है, इसमें ये टर्नर प्राइस इतने पार्ट को भी मैं एक पैराग्राफ के एलिमेंट में रैप कर दूँ, और मैं उस पैराग्राफ के एलिमेंट को क्योंकि वो ब्लॉक लेवल होता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो मैं उसको सी एस एस से जाके मैं इन लाइन कर दूँ उसको मैं, तो बात तो फिर वही हो जाएगी, ठीक है। या पैराग्राफ भी ना लगाऊँ, मैं डिव लगा दूँ ना इसके अंदर, डिव लगा दूँ, वो भी रैप करने के काम आता है, और उसको डिव को जाके मैं सी एस एस से इन लाइन कर दूँ। सी एस एस से इन लाइन किया जा सकता है डिव को भी, तमाम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इन लाइन किया जा सकता है, लेकिन वो ज़रा लंबी हो जाएगी, मतलब दो तीन स्टेप में आपका काम करना पड़ेगा आपको। तो ये स्पैन इन्होंने इसीलिए पहले से बना के दिया हुआ है, तो ये अप्रोप्रिएट सबसे स्पैन है। अच्छा, स्पैन को भी ब्लॉक लेवल बनाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन शायद इस केस में मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ करूँ, ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ एक एलिमेंट मेरे पास मौजूद है जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, जो सीधा वहाँ लग जाता है ना। अगर इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, अगर कोई डिफरेंट ऐसी सिचुएशन होती कि जिसमें मुझे, अच्छा मुझे भी आमतौर पे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी इंशाल्लाह हम एक फ्लैक्स बॉक्स करके एक अप्रोच पढ़ेंगे तो उस पर फिर वो बहुत आसान हो जाता है ये सारा कुछ, ठीक है। तो मुझे भी आज तक इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन वेल मौजूद है ये तरीका अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। स्पैन से हाँ पैडिंग और मार्जिन भी तो मिल जाएगा, उसको भी ज़ीरो किया जा सकता है, लेकिन अगेन वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। अच्छा जी, आई फ्रेम, आई फ्रेम क्या होता है जी, कि किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी विंडो बनी हुई आ जाए और उसमें एक दूसरी वेबसाइट दिख जाए उस विंडो में, तो मैं आई फ्रेम के ज़रिए ये काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने एक आई फ्रेम बनाकर दिखाया है जिसमें इन्होंने गूगल मैप को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। मैं फॉर्म के फौरन बाद मैं इस आई फ्रेम को लगा देता हूँ, ठीक है, ये आई फ्रेम लगा दिया मैंने। अच्छा, इस आई फ्रेम में, अरे भाई इस आई फ्रेम में तीन एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, एक विड्थ, एक हाइट और एक SRC, ठीक है, तीन चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। अच्छा, विड्थ है, हाइट में हाइट है, और SRC में उस वेबसाइट का नाम है जो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो आके ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि क्या डिस्प्ले होता है। रिफ़्रेश किया मैंने, नीचे गया और ये आई फ्रेम मेरे पास बना हुआ आ गया, ठीक है। अक्सर वेबसाइट में इस तरह से लास्ट में लगा हुआ होता है जिसको हम बाकायदा मूव भी कर सकते हैं, और व्यू लार्जर मैप का बटन दबाते ही है लार्जर मैप में भी खुल जाता है, राइट। तो अब अगर इस मैप में मुझे ये कैंपस लगा के देखते हैं ना किस तरह लगेगा।
does not have permission. लोकेशन इसकी बंद की हुई मैंने. चल भाई क्या हो गया, मसला ही पड़ गया इसको. अबे हाथ से लिख लेते हैं भाई, SMIT Peshawar. सही है जी, ये आ गया SMIT Peshawar कैंपस हमारा. सही है, यही है. yes, ये आपकी क्लास आ गई. अच्छा तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला लगाना है. तो हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे ना इस URL को गौर से देखें आप. यहाँ लिखा हुआ है मैप्स और उसके आगे क्यू लिखा हुआ है, क्यू और क्यू के आगे कुछ बात लिखी हुई है इतनी, ठीक है, मोमा न्यूयॉर्क, ठीक है. अच्छा और M% करके, यानी कि जैसे जो क्वेरी पैरामीटर कहते हैं इसको एक्चुअली, हम इंशाल्लाह जब सर्वर पढ़ेंगे ना इस क्लास में तो ये क्वेरी पैरामीटर डिटेल में डिस्कस होंगे कि क्या होते हैं. तो इसमें एक्चुअली मेरा URL ख़त्म होने के बाद ना क्वेश्चन मार्क लगा के मैं क्या दे देता हूँ, कुछ पैरामीटर्स दे देता हूँ. तो इसमें एक पैरामीटर है क्यू और इक्वल्स करके उसकी वैल्यू में ये बात लिखी हुई है. अच्छा एंड फिर एक और क्वेरी है आउटपुट इक्वल्स टू एम्बेड. तो मैंने क्या करना है, ये क्यू वाला जो पार्ट है ना इसको चेंज कर देना है. अच्छा ये क्यू वाले पार्ट में क्या लिखना है, मैंने जाके जो यहाँ पे मैंने इस जगह पे लिखा है इधर, ठीक है, मैं से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, SMIT Peshawar लिखा है, राइट. तो ये मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ये SMIT Peshawar, ये तो होपफुली उसको चल जाना चाहिए फिर, ठीक है, SMIT Peshawar. अब आते हैं देखते हैं क्या रिपोर्ट है. रिफ्रेश किया मैंने इसको, SMIT Peshawar आ गया. सही है, तो जो क्वेरी में लिखने से जो आ जाता है ना, समटाइम क्वेरी में लिखने से दो तीन चीज़ें भी आ जाती हैं. तो मैं ऐसी क्वेरी लिखूंगा जिसमें सिर्फ एक चीज़ आती हो, तो मुझे ये नज़र आ जाएगी. यार ये क्या चीज़ है, SMIT अजीज़ जान एक अलग आ रहा है और वो एक अलग आ रहा है, डबल डबल ऐड हो गया. वाईकुम अस्सलाम. वाले सर ठीक ठाक. अच्छा